आपको अहम खबर दें, रावलपिंडी में वफाकी पुलिस एहलकार और रिक्शा ड्राइवर के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ। बावर्दी पुलिस एहलकार की मुबैना फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक हो गया है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, रावलपिंडी में वफाकी पुलिस एहलकार और रिक्शा ड्राइवर के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ और बावर्दी पुलिस एहलकार की मुबैना फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक हो गया। इसी पर मज़ीद बात करते हैं फैज़ अहमद से। आपको बताएं कि रावलपिंडी में वफाकी पुलिस एहलकार और रिक्शा ड्राइवर के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ है और बावर्दी पुलिस एहलकार की मुबैना फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर भी जाँ बहक हो गया। अफसोसनाक खबर है और बावर्दी पुलिस एहलकार की मुबैना फायरिंग की वजह से रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक हो गया। इसी पर मज़ीद बात करेंगे फैज़ अहमद से। जी फैज़, बताएगा लड़ाई झगड़े की वजह क्या बनी? जी, वफाकी पुलिस एहलकार और रिक्शा ड्राइवर के दरमियान लड़ाई झगड़े का मामला, बावर्दी पुलिस एहलकार ने मेहनत कश रिक्शा ड्राइवर पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर जाँबक लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जाँबक होने वाले रिक्शा ड्राइवर की शनाख्त इशाक के नाम से हुई। रिक्शा ड्राइवर और पुलिस एहलकार के दरमियान झगड़ा किराया न देने पर पेश आया। थाना एयरपोर्ट पुलिस ने फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया। जी ठीक है फैज, बहुत शुक्रिया।